Hello everyone, in our previous video we discussed about employee involvement. Today we will do essentials and importance of employee involvement. हमने अपने previous video में क्या पढ़ा था कि employee involvement क्या होता है, कि organization के regarding जो भी हमें decision making करनी है, plan, strategy formulation करना है या फिर organization के operations and affair को disclose करना, employees के साथ उन्हें organization की working में involve करना, चाहे वो decision making से related हो, mainly जो you know decision making के ही related होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, employee involvement बोलते हैं। अब employees को involve करने के लिए essentials क्या हैं, यानी कि necessary क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ये तो नेसेसरी है ही कि अगर आप फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ही प्रोवाइड नहीं करा रहे हो, कि आप कम्युनिकेशन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो कि कौन किससे कम्युनिकेट कर सकता है, कौन किसको मींस मैसेज शेयर कर सकता है, सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है, अगर आप वो फ्री फ्लो प्रोवाइड नहीं करा रहे, उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं सकती। अगर एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट चाहते हो तो उन्हें फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना नेसेसरी है, कि उन्हें फ्रीली ये अलाउ किया जाता है कि वो किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं सजेशन देने से, या फिर उनको कोई कंप्लेन है, उनके कोई भी इश्यूज हैं, उन्हें डिस्कस करने के लिए फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड नेसेसरी है। नेक्स्ट इज इम्पार्शल ऑफ बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय, कि ना तो वो पार्शल नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना ही एम्प्लॉयर की साइड पे और ना ही एम्प्लॉयर्स की साइड पे। जिसके भी माइंड में डिस्क्रिमिनेशन होगा सो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट क्या होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। ना तो वो एम्प्लॉयर के लिए पार्शल होना चाहिए, यानी कि सिर्फ एम्प्लॉयर के बेनिफिट के लिए हो, और ना ही सिर्फ एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए हो, दोनों साइड से इम्पार्शल होना चाहिए। वाइड पब्लिसिटी, वाइड पब्लिसिटी मीन्स अगर आप किसी डिसीजन मेकिंग के लिए कोई मीटिंग बुला रहे हो, सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डायरेक्टली बता दिया कि मीटिंग है आ जाओ, उसकी पब्लिसिटी करना, यानी कि लोग जो भी मीटिंग में लेबर आ रहे हैं, एम्प्लॉयज आ रहे हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमारी मीटिंग का एजेंडा क्या है, किस चीज़ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि वो पहले से प्रिपेयर होके आए। उसकी इतनी पब्लिसिटी मीन्स उसकी ऐसी पब्लिसिटी होनी चाहिए उस चीज़ की कि लोगों मीन्स हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो अवेयर हो जाएं उसके बारे में, वो ब्लैंक ना आए, ब्लैंक माइंड के साथ ना आए कि पता नहीं क्या डिस्कस होने वाला है। सो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट के लिए ये भी नेसेसरी है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन क्या होती है, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ लेबर्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट, जो बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने जो रिप्रेजेंट करती है वो हमारी ट्रेड यूनियन होती है। सो ट्रेड यूनियन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इतनी पार्शल हो जाए कि वो सिर्फ एम्प्लॉयज के बारे में ही सोचे, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे ही ना, वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, यानी कि जो उसे ये लगे कि एथिकल है, सही है, वही उसे परफॉर्म करना चाहिए, इररेगुलर टास्क परफॉर्म नहीं करने चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं होगा तो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं। हमारी मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयज़ के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, दोनों का एक दूसरे के ऊपर बिलीव होना चाहिए, तभी क्या होगा, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल है। सो म्यूचुअल ट्रस्ट उनके अंदर बिल्डअप होगा तभी हम एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट को क्या कर सकेंगे, फॉर्मुलेट कर सकेंगे, उसे यूज़ कर सकेंगे, अदरवाइज एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट को हम एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकेंगे। म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्डअप करना नेसेसरी है। आइडियाज़ फ्रॉम विद इन, कि अगर आप एम्प्लॉय हो और आप मीटिंग में आ भी गए, लेकिन आइडियाज़ फ्रॉम विद इन का क्या मतलब है, कि जो भी आप आइडियाज़ दे रहे हो वो ऐसा होना चाहिए उसी टाइम पे आपके मन में आया कि यू नो कि क्या हमारी उस चीज़ को पूरा इवेल्युएट करके, कि जो हमारी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग हमसे आइडियाज़ और सजेशन मांगे गए हैं, तो हमारे जो मन में आता है कि यू नो स्ट्रॉन्ग जो हमारी फीलिंग होती है कि हाँ ये हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रहे हैं कि हमें कोई सजेशन देना है विदाउट इवेल्युएटिंग, विदाउट कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, मीन्स बिना ये देखे कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं, ऐसे ही हमने कोई भी आइडिया दे दिया जस्ट फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट भी पूरा हार्टली होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन, इसका मतलब है कि अगर हमने सजेशन उनसे लिए हैं, सिर्फ सजेशन लेने तक का ही काम नहीं होता, उन सजेशंस को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, डिसीजंस को अच्छे से एग्जीक्यूट भी करना चाहिए, उनके सजेशंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हमारे एम्प्लॉयज ने अच्छे और बेटर हमें सजेशन प्रोवाइड किए हैं तो हमें उन पे भी वर्क करना चाहिए। लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, यानी कि एम्प्लॉय जो इन्वॉल्व करते हैं वो तीन लेवल होते हैं। सबसे छोटा लेवल है इन्फॉर्मेटिव, देन कंसल्टेटिव एंड डिसीजन मेकिंग लेवल। कि लेवल टू लेवल हर ऑर्गेनाइजेशन
अलग लेवल अडॉप्ट कर सकती है। सबसे पहला लेवल है इन्फॉर्मेटिव लेवल, नेम ही सजेस्ट कर रहा है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग की अफेयर्स की सिर्फ इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराता है, वो कौन सा लेवल होता है? इन्फॉर्मेटिव लेवल, यानी कि जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने पर वर्क करता है वो है इन्फॉर्मेटिव लेवल। कंसल्टेटिव लेवल होता है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराना, उनसे कंसल्ट भी करना कि आपको क्या लगता है इस टॉपिक पर हम कितने सही हैं कितने गलत हैं, हमें क्या आगे डिसीजन मेकिंग में यही रखना चाहिए या फिर हमें कोई चेंजेस मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए। उनसे कंसल्ट करना जिस लेवल पे होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के साथ साथ कंसल्टेशन भी करना, वो कौन से लेवल पे होता है? कंसल्टेटिव लेवल। थर्ड लेवल है डिसीजन मेकिंग लेवल, दिस इज द ब्रॉडर लेवल ऑफ द एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। इसमें क्या होता है कि उनसे इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, उनसे कंसल्ट करना और उन्हें डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करना कि वो भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अगर उन्हें ये लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है तो उनको डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करना, उनके सजेशंस को ही डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करना, वो क्या होता है? हमारा एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस। अब इम्पोर्टेंस क्या है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट की? हम एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस क्या बेनिफिट्स लेके आएगा? ऑर्गेनाइजेशनल पीस, कि अगर हम एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो क्लैशेज या फिर जो भी बैरियर आते थे कम्युनिकेशन में वो ख़त्म हो जाएंगे, उनके बीच में क्लैशेज वो और ये सब क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो हेल्दी हो या अनहेल्दी हो, ऑर्गेनाइजेशन में पीस बना रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? पीस होगा तो हमारी रनिंग स्मूथली होगी। ऑर्गेनाइजेशनल पीस के लिए एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट नेसेसरी है। इंक्रीज कमिटमेंट, कि आप अगर आप डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करें वो उसकी स्किल इंप्रूव कर रही हैं, सो वो कमिटमेंट इंक्रीज करती हैं, यानी कि उनको बेटर बनाने के कमिटमेंट को इंक्रीज किया, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की कमिटमेंट को प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करी है, तो हमारी कमिटमेंट्स को ही वो क्या करती है? इंप्रूव और इंक्रीज करती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, ऑब्वियसली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो होगा ही। अगर हम एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड कर रहे हैं सो वो क्या होगा? उनके लिए ही ग्रोथ होगी, उनको इंटेलेक्चुअल स्किल्स आएंगी, वो डिसीजन मेकिंग की स्किल उनके अंदर आएंगी, सो वो उनकी क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट करेंगे। इंक्रीज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि जब कोऑपरेशन आ जाएगा उनके बीच में, कोऑपरेट वो क्या बिल्डअप करेंगे? दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करेंगे, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज, यानी कि जो भी हमें चेंज एक्सेप्ट करना है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो वो ईजिली एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन अगर बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन में तो ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ उससे खुश ना हो, मैनेजमेंट ने सीधा वो एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन अगर दोनों ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पे तो एक्सेप्ट करना इजी हो जाएगा। अगर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मीन्स उनको डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड कर रहे हैं तो वो उसका मोरल इंक्रीज करेगा, मोरल इंक्रीज होगा तो जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगी, जॉब सेटिस्फेक्शन होगी तो मोटिवेशन होगा, मोटिवेशन होगा तो वो क्या करेंगे? बेटर परफॉर्म करेंगे, यानी कि मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंस है किसकी? हमारी एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट की। वे ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि वो खुद को और बेटर वे में क्रिएट कर सकते हैं और बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकेंगे। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। थैंक यू।